सबको नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे सूजी के वेज रोल्स, फुल ऑफ प्रोटीन, खूब सारी वेजिटेबल्स डालकर। तो जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी रेसिपीज़ की नई नई नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी के वेज रोल्स। तो वेज रोल्स बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी के लिए और उसमें मैं 1/2 चम्मच सॉल्ट डालूंगी। वैसे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है और 1 मतलब चुटकी से ज़्यादा मीठा सोडा। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही का, 1 कप सूजी और 1/2 कप दही का, और इसको हम गूंद लेंगे। इसमें आपने पानी नहीं डालना। ये देखिए ऐसे करके इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। तो डो हमारी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और इसके लिए आपने बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को मिक्सी में बीट कर सकते हैं और थोड़ा सा घी का हाथ लगाकर आप इसको 1/2 आवर के लिए सेट करके रख देंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सूजी जो है ना वो पानी पीती है और ये मुलायम हो जाएगा। तो उतनी जब तक ये हमारा जो डो है वो सेट होती है, हम तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। मैंने 1/2 कप सब वेजिटेबल लिए हैं। फूल गोभी 1/2 कप, 1/2 कप शिमला मिर्च। ये हरी शिमला मिर्च थी, फ्रिज में पड़ी पड़ी रेड हो गई तो मैंने वो ही डाल दी। ब्रोकली पड़ी थी थोड़ी सी, वो गाजर 1/2 कप, क्या कहते हैं इसको, हरी मिर्ची, धनिया और पनीर, इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। इनमें से कोई वेजिटेबल आपके घर में नहीं खाते आप उसको निकाल सकते हो, और कुछ और ऐड करना चाहते हो जैसे कॉर्न वगैरह तो आप कर भी सकते हो। तो अब हम ये इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आटा रेडी हो गया। आप थोड़ा सा घी का हाथ लगा के ना इसको मतलब 10 से 1 मिनट और ज़रूर मसलेंगे, क्योंकि जो सूजी का दाना होता है ना वो फिर रोटी नहीं तो आपकी फटनी शुरू हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इसमें बिल्कुल भी कोई सूजी का दाना नहीं है। तो आपने भी इसको बहुत अच्छे से ऐसे मसल लेना है। उसके बाद हम अब इसमें से 1 पेड़ा लेंगे। ये देखिए ऐसे पेड़ा करके चकले पे हम अच्छे से घी लगाएंगे और बेलन को भी हम हल्का सा घी लगा लेंगे और इसको अब हम ऐसे ऐसे अच्छे से फैला लेंगे। जैसे आप चपाती बेलते हैं वैसे ही बेलना है, पर ये चपाती से थोड़ी सी मोटी रहेगी। इसके ऊपर अब मैं 1 बना रही हूँ, इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अगर आपने ग्रीन चटनी लगानी है ना तो आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगा के इसको हम ऐसे फैला देंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए ये फैला दिया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स की लेयर देंगे, तो इसको भी अब हम अच्छी तरह से ऐसे फैला देंगे
है ना कितना हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन, और मतलब 1 टीस्पून ऑयल के साथ, मतलब आप जीरो ऑयल कह सकते हैं। ये अभी जब हम ये रोल्स बना लेंगे ना, फिर इसको हम स्टीम देंगे। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे रोल करेंगे। क्या बढ़िया रोल बनकर तैयार हो रहा है। और साइड से ऐसे करके बंद कर लें, और इसको थोड़ा सा करेंगे। ये हमारा रोल रेडी हो गया, और मैंने गैस के ऊपर ना स्टीमर पहले ही रख दिया हुआ है। पानी डाल के कढ़ाई में मैंने स्टीमर को रख दिया। ये देखिए, पानी उबलने वाला है। अब हम इसमें सारे जो अपने रूल्स हैं ना, उनको रख देंगे ऐसे। ये देखिए, सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि हम स्टीमर पे भी ना हल्का सा ना ऑयल लगा देंगे, ताकि जो हमारा ये है ना रोल्स, ये चिपके नहीं। अब हम सारे रोल्स इसमें ऐसे रखकर स्टीम कर लेंगे। आपके पास अगर घर में दूसरी छलनी है ना, आप उस पे भी कर सकते हो। और इसको अब हम ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। एक मैं बात बताना भूल गई, इसमें जो मटेरियल में मैंने सिर्फ नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और काली मिर्ची डाली है। और जो अब हम तीसरा ये बनाने जा रहे हैं ना, उस पे मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। ग्रीन चटनी को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। पे भी अब आप डालिए अपना मटेरियल। और जैसे हमने पहले रोल किए, वैसे ही हम इसको भी रोल कर देंगे। स्टफिंग अच्छी तरह से डालिए। साइड से हम ऐसे बंद कर देंगे, और इसको भी अब हम स्टीमर में रख देंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया फूले फूले से बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इनको थोड़ा ठंडा कर लिया था, बाहर निकाल के रख लिया था। अब हम इनको ऐसे पीसेस में कट करेंगे। जो नाइफ है ना, वो थोड़ी तेज होनी चाहिए, नहीं तो जो स्टफिंग है वो बाहर आएगी। ये देखिए, आप पिज्जा कटर से भी काट सकते हैं ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे पीसेस को कट कर। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे जो रोल्स हैं वो बनकर तैयार हैं। ये ग्रीन चटनी वाले हैं और ये पिज़्ज़ा सॉस वाले हैं। तो अब इसके ऊपर हम एक तड़का बनाकर डालेंगे। मैंने ऑयल को गरम करना रख दिया है। इसमें मैं थोड़ी सी राई डालूंगी, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाली थोड़ी सी मैंने, और थोड़े से तेल डाल दिए। और इस तड़के को अब रेडी करके थोड़ा सा पकने देंगे इसको। आप तड़का दूसरा भी कोई रेडी कर सकते हैं अपनी मर्जी का। आप जीरे की छौंक भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप ऊपर कोकोनट भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। ये देखिए,
ऐसे करके हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। तो हमारे जो रोल्स हैं वो बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप भी ज़रूर बनाना और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना, और आप मुझे बताना कि मैं और आपके लिए क्या बनाऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।